नमस्कार। और आज हम खड़े हैं एक इंडियन सेडान के सामने जिसका नाम है हिंदुस्तान एम्बेसडर। 1958 में लॉन्च हुई थी और ये सिक्स जनरेशन आप देख रहे हैं जो 2014 में बंद हो चुकी है। शुरू होती थी 4,12,000 से और टॉपअली कीमत थी 6,26,000 रुपये। ये 2000 cc डीजल मॉडल आप देख रहे हैं, 1500 cc डीजल, पेट्रोल में 1800 cc और 1500 cc इंजन्स और CNG में आती थी एम्बेसडर। ये वाइट कलर है, सिल्वर, बीज, ब्लैक, ब्लू और रेड कलर्स के ऑप्शन थे। इंडिया की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड में लिखा जाता है हिंदुस्तान एम्बेसडर का नाम। इंडिया के पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की फेवरेट कार रही एम्बेसडर और कुछ की तो आज भी है। मारुति के आने से पहले हिंदुस्तान मोटर्स इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी थी। CK बिरला ग्रुप हिंदुस्तान मोटर्स के ओनर थे, जो आज जॉइंट वेंचर है जिस कंपनी का आज मित्सुबिशी के साथ इंडिया में। थोड़ी स्लो कंपनी है ये, इसलिए मित्सुबिशी के भी काफ़ी काम ठंडे हो रखे हैं इंडिया में। और ये हैं 15 इंच के स्टील व्हील्स, आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। 1650 किलो ग्रॉस वेट है एम्बेसडर का और लगभग 4 मीटर की लेंथ है। गवर्नमेंट और टैक्सी सेल्स की बदौलत ही एम्बेसडर इतनी चली और बिकी। फरवरी 2017 में हिंदुस्तान ने एम्बेसडर ब्रांड सेल कर दिया फ्रांस की पिजो ग्रुप को 80 करोड़ रुपए में और जॉइंट वेंचर का एग्रीमेंट भी किया है। इंडियन सड़कों का राजा कही जाने वाली एम्बेसडर कोलकाता के पास उत्तरपारा प्लांट में बनाई जाती थी। 1956 से 1959 तक बनने वाली मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पर बेस्ड एम्बेसडर। मॉरिस कंपनी ने राइट्स बेच दिए थे हिंदुस्तान मोटर्स को। एम्बेसडर के पुराने मॉडल्स का नाम हिंदुस्तान 10 और लैंडमास्टर है, जो मॉरिस सीरीज 1 और सीरीज 2 पर बेस्ड थे। एम्बेसडर के पिकअप ट्रक वर्जन का नाम पॉटर था, पोर्टर। एलेक इसिगोनिस ने डिज़ाइन की है एम्बेसडर, मतलब एम्बेसडर तो नहीं कहेंगे, उन्होंने मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 डिज़ाइन की थी, तो उसी पर ही बेस्ड है एम्बेसडर भी। सनरूफ का भी ऑप्शन मिलता था एम्बेसडर में इस मॉडल में। और सेफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग लोहे की बॉडी मिलेगी जो भारी से भारी इम्पैक्ट को झेल लेगी, इसलिए ही एम्बेसडर ऑफिशियल गवर्नमेंट कार रही काफ़ी टाइम तक। सेडान के साथ SUV का भी काम करती है एम्बेसडर, कई रैलीज जीती हैं इस कार ने। 5000 किलोमीटर्स पे सर्विस होती है एम्बेसडर की और आजकल तो पार्ट्स भी काफ़ी मुश्किल में मिलते हैं। अगर आपको VIP फील करना है तो वाइट एम्बेसडर से बेस्ट कुछ भी नहीं है। एम्बेसडर से इंस्पायर होकर दिलीप छाबड़िया ने एम्ब्रॉयड कॉन्सेप्ट भी बनाया था, वो कभी प्रोडक्शन में नहीं आया। एम्बेसडर का निकनेम MB भी कहा जाता है। और ये फ्रंट का बोनेट, आइए पीछे का बूट खोलते हैं। तो ये काफी भारी वर्कम बूट लेड। और यहाँ आपको मिलती है 430 लीटर की बूट स्पेस, आसानी से सामान रखना और निकालना काफ़ी इजी है एम्बेसडर से। कुछ टूल किट यहाँ पे पहले से ही रखी हुई है और इसको उठाएंगे तो यहाँ पर नीचे स्पेयर व्हील मिलेगा। इसको क्लोज कर देते हैं। एम्बेसडर ग्रैंड BS3 का इसमें इंजन है, अब BS4 के इंजन आते थे उसके बाद। ये फ्यूल लिड, ये पैसेंजर साइड डोर खोलते हैं, कुछ इस टाइप से दिखता है डोर। साइड में थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है आर्मरेस्ट के साइड में और पावर विंडोज़ नहीं मिल रही हैं। और ये हैं
बहुत ही कंफर्टेबल बैक सीट्स, कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल सीट्स हैं ये। और यहाँ आपको आर्मरेस्ट मिलता है और फैब्रिक सीट्स मिलेंगी एम्बेसडर में। और इस टाइप से है आर्मरेस्ट। ये सीट्स का पीछे से डिज़ाइन और ये रीडिंग लाइट्स हैं यहाँ पे। और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड। थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा और टॉप मॉडल में कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम भी आता है। एसी वेंट्स हैं और हीटर के साथ। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम डिज़ाइन है। डोर आर्मरेस्ट पर भी थोड़ी बहुत स्पेस मिल रही है मोबाइल रखने की। और ये सीट एडजस्टर कुछ ऐसे दिखती हैं फ्रंट की सीट्स। बीच में स्टीयरिंग के लोगो मिल रहा है, पावर स्टीयरिंग है। और ये लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये बोनट खोलने का है और इस टाइप से दिखते हैं पैडल्स। और ये बॉटल रखने की जगह दी गई है, हैंड ब्रेक है और ये है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक के कोई ऑप्शंस नहीं थे एम्बेसडर में। और यहाँ थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह दी गई है। म्यूजिक सिस्टम टॉप मॉडल में कंपनी फिटेड आता था। और ये गणेश जी की फ़ोटो, इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग तो काफ़ी नेसेसरी है एम्बेसडर में। और ये एसी के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। और ग्लो बॉक्स में भी आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिलेगी। और ये रियर व्यू मिरर, वैनिटी मिरर मिलेगा यहाँ पे। और ड्राइवर साइड कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह मिलेगी। और ये है 3-spoke स्टीयरिंग व्हील। बीच में हिंदुस्तान मोटर्स का लोगो है। तीन डायल्स मिलेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। एक लाख से ज़्यादा चल चुकी है ये वाली एम्बेसडर। ये इंडिकेटर के कंट्रोल्स हैं, ये लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं अलग से। और ये फ्यूल इंडिकेटर और स्पीडोमीटर 160 किलोमीटर तक की टॉप स्पीड शो कर रहा है। आइए फ्रंट का बोनेट खोलते हैं और इंजन को देखते हैं। यह है 4-cylinder 2000cc डीजल इंजन। 51 हॉर्स पावर है और 105 Nm का टॉर्क है और 140 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है। और लगभग 14 का एवरेज आपको मिलेगा 54 लीटर के फ्यूल टैंक से। पेट्रोल के 1800cc इंजन की 75 bhp पावर है और 130 Nm का टॉर्क है और लगभग 10 का एवरेज देगा आपको पेट्रोल इंजन। और ये 2000cc डीजल इंजन आपको देगा लगभग 14 का एवरेज। ये कार के स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, हिंदुस्तान मोटर्स कोलकाता।
इसको इस टाइप से क्लोज़ करना पड़ता है बोनट को। इसमें कुछ इश्यू है इसलिए उसको हाथ से उठाना पड़ रहा है। और ये है टॉप मॉडल 1800 सीसी ISZ एम्बेसडर ग्रैंड। इसमें इस टाइप का आपको इंटीरियर मिलेगा, वाइट डायल्स हैं, ये गवर्नमेंट कार है, इसमें कंपनी फिटेड म्यूज़िक सिस्टम है और लाइटर भी दिया गया है, 5-speed गेयरबॉक्स है, लेदर फिनिश भी दी गई है। और ये पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं इसमें। इस टाइप से दिखता है डोर। और आर्मरेस्ट मिलेगा बीच में, और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड। बीज फिनिश मिल रही है। और यार रियर एसी वेंट्स भी हैं, साथ में ये वायरलेस रेडियो के कंट्रोल्स हैं। ये पीछे भी रीडिंग लाइट मिल रही है। हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर को समय के हिसाब से नहीं बदला, इसलिए ही कम डिमांड और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के चलते इतनी शानदार कार बंद हुई। सी के बिरला ग्रुप को पता था कि बदलाव नहीं किए तो डिमांड कम होगी, लेकिन आलसी मन माने कैसे। तो उसके बावजूद हम काले बादलों के बीच बो रहे थे, बरसात तो आनी ही थी। एनीवेज, कैसी लगी आपको हिंदुस्तान एम्बेसडर हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।